नमस्कार, आज मैं जिस चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ वो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पे फिलहाल ट्रेंड कर ही रही है, पर आने वाली 15 तारीख को व्हाट्सएप पे भी ट्रेंड करेगी। मैं बात कर रहा हूँ बोर्ड रिजल्ट के बारे में। तो CBSE की हर साल शादी होती है जिसमें तुम्हारे रिलेटिव्स और तुम्हारी टीचर्स एक हो रहे होते हैं, और जिस शादी के पंडित होते हैं तुम्हारे घर वाले, और तुम्हें उस शादी में उस गरीब वेटर की तरह ट्रीट किया जाता है जिसको तुम 5 बार सब्जी के लिए और 3 बार रोटी के लिए दौड़ाते हो। तो भाई पता है मुझे कैसा फील होता है, लेकिन मैं उस शादी का वेटर नहीं फूफा हूँ जो भले ही अपने शहर में चेतक का स्कूटर चलाता हो, पर उसको शादी में अटेंशन तो ऐसे चाहिए होता है जैसे जस्टिन बीबर 5 घंटे के लिए इंडिया आया हो, और जिसको कोई मतलब नहीं है कि शादी किससे हो रही है कैसे हो रही है, उसको सिर्फ जिस चीज़ से मतलब है वो है ये कि शादी में खाना कैसा है और उस खाने को तुम्हारी टेबल तक लाने वाला वेटर कौन है, और जो कि इस केस में तुम हो। तो देखो बात कुछ ऐसी है कि जो नालायक औलादे होती है ना, जैसे कि आप के दो तरीके के घर वाले होते हैं। एक जो खुद को ही कोसते हैं, बोलते हैं कि 12 साल पढ़ाई में पैसा लगाया फिर भी पैसा बर्बाद पहन, और दूसरे जिनको पता है कि उनकी औलाद नालायक है और जिनको उनसे निपटना आता है। और दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि 15 तारीख को उनका हाल कुछ ऐसा होने वाला है। मर जाऊंगा भगवान बचाओ मेरी मम्मी मेरी माँ। आखिरी के जब 1 या 2 पेपर कैंसिल कर दिए गए थे, तब निब्बा लौंडे जो अपने निब्बा वाले गुची गैंग के साथ सारा दिन बैठ के पबजी खेला करते थे, और जब उनके पिताजी कुछ उनसे ऐसा पूछा करते थे, क्या मैं पूछ सकता हूँ ये सब क्या हो, जिनका जवाब वो कुछ ऐसा दिया करते थे, नहीं। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि होएगा, पर शायद तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होने वाला है। सॉरी। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा उस दिन तुम दुनिया के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान बन जाओगे। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी दूर की आंटियां, तुम्हारे पड़ोसी, यहाँ तक कि तुम्हारे अपने दोस्त जो तुम्हारे जितना पढ़ के तुमसे ज्यादा अच्छे मार्क्स ले आए, वो तुम पे ऐसा तरस खाएंगे कि दुनिया खत्म हो गई हो। यहाँ तक कि तुम्हारा अपना वॉचमैन से अगर तुम नजर मिला लो ना, तो एक वक्त ये भी लगेगा कि तुम्हारा वॉचमैन तुम पे तरस खा रहा है। बात रिजल्ट की हो और रिलेटिव्स का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। देखो मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें देख पा रहे हो कि नहीं, पर ये CBSE बिक चुकी है, ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। अगर ये चाहती तो ये पेपर खत्म होने के 15 दिन बाद भी रिजल्ट निकाल सकती थी, पर ये नहीं, ये रिजल्ट निकालती है 1 महीने बाद जब तुम अपनी नानी के घर पहुंच जाते हो या तुम्हारी दूर की बुआ तुम्हारे घर आ जाती है। इन बोथ द केसेस तुम अपने रिलेटिव से दूर नहीं भाग सकते। तो बस आखिरी में यही कहना चाहूंगा, जिंदगी बहुत छोटी है और जवानी उससे भी कम, क्या कर लेगा शर्मा जी का लड़का, बाप तो रहेंगे उसके हम। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। पीस।